सहारा इंडिया में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 5000 करोड़ रुपए और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों लोगों के पैसे के मुद्दे को लेकर क्यूवाइव नेटवर्क ने एक सकारात्मक चर्चा की है। भारत की आम जनता से जुड़े इस सबसे बड़ी समस्या पर मेनस्ट्रीम मीडिया ने जहां खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी, वहीं क्यूवाइव नेटवर्क ने इस गंभीर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। आज इसका फल भी लोगों को मिलने लगा है। क्यूवाइव नेटवर्क ने सहारा से जुड़े हर पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताता हूं अभी आपको, एक मिनट लेकर के आइए। सेबी के बारे में, ये स्कोप ऑफ सेबी के बारे में पहले जान लीजिए। एक तो मैंने आपको दर्शकों को बताया कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद जो अडानी का शेयर क्रैश हुआ, तो हरीश सालवे जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ये देश पर हमला है। मैंने आपको बताया कि हमारे ही देश का एक उद्योगपति लंदन के ग्रॉसवेनर को खरीद करके उसके ऊपर तिरंगा लहरा दिया था और वो सुब्रत राय सहारा जेल चला गया, तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये देश पर हमला है। 3 फरवरी 2023 को क्यूवाइव नेटवर्क ने सहारा को जेल, अडानी को बेल हेडलाइन से खबर चलाई थी। इस प्रोग्राम को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला। सुब्रत राय के जितने अकाउंट है उसको फ्रिज कर रहे हैं। सवाल सुब्रत राय का नहीं है, सवाल सुब्रत राय की कंपनी से जुड़े हुए लाखों एम्प्लॉई का है, लाखों परिवार का है। और यह सवाल माननीय अदालत से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। वहीं 22 फरवरी 2023 को भी क्यूवाइव नेटवर्क ने सहारा समूह से जुड़ी खबर को मुखरता से चलाया। सरकार, अदालत और सुब्रत राय से क्यूवाइव नेटवर्क की अपील नाम से चलाए प्रोग्राम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सुब्रत राय के जितने अकाउंट हैं उसको फ्रिज कर रहे हैं। सवाल सुब्रत राय का नहीं है, सवाल सुब्रत राय की कंपनी से जुड़े हुए लाखों एम्प्लॉई का है, लाखों परिवार का है। और यह सवाल माननीय अदालत से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। या तो यकायक फैसला सुना दीजिए सुब्रत राय को, अगर फ्रॉड हुआ है, गलती हुई है, सुब्रत राय को जेल भेजिए, लेकिन एम्प्लॉय को उसकी सजा क्यों दे रहे हैं। वहीं 28 मार्च 2023 को भी सहारा निवेशकों को बड़ी राहत, क्यू वाइव का असर नाम से एक शो प्रसारित किया गया। इस शो में सहारा निवेशकों को राहत मिलने की सूचना आम लोगों को दी गई। सारे वीडियो सुब्रत राय सहारा के देखे हैं, जब बार बार वो आकर के अपने इन्वेस्टर्स को कहते थे कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम डूबेंगे नहीं, हम लड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वहीं 19 अप्रैल 2023 को सहारा, जेपी और नेताओं से रिश्ते की कहानी शो में कई रोचक जानकारियों को जनता से साझा किया गया। अब ये बात तो शायद आपको मालूम हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि देश के व्यवसायियों को राजनेताओं के साथ रिश्ते रखना तलवार की धार पर चलने के जैसा है। जी हां मित्रों, सुब्रत राय को मुलायम सिंह के साथ रिश्ते महंगे पड़ गए। वहीं 21 अप्रैल 2023 को क्या पूर्व जज खेहर देंगे सुब्रत राय को मुआवजा नाम से एक शो प्रसारित किया गया। इस शो को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और सहारा से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। ये गफलत मत मानिएगा कि हमें सुब्रत राय सहारा से किसी चीज की आवश्यकता है या जस्टिस खेहर से किसी चीज की आवश्यकता है। मैं 12 लाख एम्प्लॉई और करोड़ों निवेशकों को भरोसा देता हूँ कि और कोई नहीं, नीलेश ओझा और आशुतोष पाठक अभी आपके लिए जिंदा है। जो जब से सुप्रीम कोर्ट का गलत जो ऑर्डर था डिटेंशन का, वो खारिज किया गया। अगर चार दिन नहीं किया तो उसको सजा नहीं। वहीं 25 अप्रैल 2023 को भी सहारा निवेशकों से जुड़ी खबर को क्यूवाइव नेटवर्क पर प्रमुखता से दिखाया गया। इसमें सहारा से जुड़े मामलों के लीगल एंगल पर गंभीर चर्चा पेश की गई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब दूसरा मुद्दा, आपका दूसरा सवाल क्या था? कि सेबी जो इसमें पार्टी है, तो सेबी इस मुद्दे को कैसे लेगी? नहीं, सेबी को तो अभी जो
राष्ट्रपति के तरफ से सेबी में भी जाएगा मामला, सेबी को कहा जाएगा कि भाई आप अपना ये कीजिए, क्योंकि आप भी एक पार्टी थे जिसकी वजह से इलीगल डिटेंशन को आपने भी फाइट नहीं किया, आपने रहने दिया। बल्कि सेबी को यह कहना चाहिए था कि भाई मेरे मेरे जो मेरा जो प्रतिद्वंदी है आप उनको जेल में क्यों रख रहे हैं, उनको बाहर लाइए। वहीं 6 मई 2023 को भी सहारा निवेशकों से जुड़ा एक शो प्रसारित किया गया। इसमें ये बताया गया कि सहारा निवेशकों को मुआवजा कैसे मिलेगा। इस प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट ने दर्शकों को मुआवजा लेने के प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कि आप इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाइए, ये लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, उनको तुरंत पैसा मिलना चाहिए, उसका रास्ता ये है, आप इस तरह से उनको दीजिए। आपने यूनियन कार्बाइड में किया था, इसके लिए तुरंत कोर्ट बनाइए। एक दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सारे लोग फिर से एक बार अच्छे से गौर से सुनिए, सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अधिकार देता है कि NHRC। वहीं 13 जुलाई 2023 को भी सहारा से जुड़ी एक और खबर को Q5 नेटवर्क ने प्रमुखता से दिखाया। इस प्रोग्राम का नाम क्या सहारा के लिए एक्शन प्लान तैयार हो गया था, इसे भी दर्शकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला। यह होटल है, इस होटल को भी सुब्रत रॉय सहारा ने, सहारा ग्रुप ने खरीदा। और आज के हालात क्या है, ग्रॉस वेनर को भी सुब्रत रॉय को बेचना पड़ा और प्लाजा को भी बेचना पड़ा। लेकिन ये राष्ट्रवाद पर, भारत पर हमला नहीं है। भारत पर हमला ये हो गया जब हरीश सालवे ने कह दिया कि अदानी ग्रुप पर हमला हो गया। Q5 नेटवर्क की इस मुहिम ने आखिरकार करोड़ों निवेशकों को राहत मुहैया कराई और सरकार ने आखिरकार निवेशकों को गाढ़ी कमाई के पैसे को लौटाने का फैसला लिया। इसलिए 18 जुलाई 2023 को सहारा निवेशकों को मिली राहत, Q5 नेटवर्क की मुहिम हुई सफल नाम से एक शो प्रसारित किया गया। Q5 नेटवर्क ने अपने दर्शकों से ये वादा Q5 नेटवर्क अपने दर्शकों से ये वादा करता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को राहत नहीं मिल जाएगी तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि जनता के सरोकारों को आवाज देना ही हमारा असली मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क। कैसे